Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. आज मैं आया हूँ सतपुड़ा के घने जंगलों में और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी है और प्यास भी लग रही है और हम लोग पानी लाना भूल गए हैं. बट एनीवे, नॉट टू वरी. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हाईली ऑस्पिशियस और फॉर्चुनेट पर्सन कब बनते हैं, यानी कब आपके पितर यानी आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस करते हैं, कब गुरुओं का साथ आपको मिलता है, कब भगवान का साथ आपको मिलता है और कब आपके जो बड़े लोग होते हैं, आपके जो माता पिता होते हैं या आपके जो एल्डर्स होते हैं, कब उनका साथ और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है. यानी इस योग में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आपके एंसेस्टर हैं यानी जो आपके पितर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करते हैं और जो आपके पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब जैसे आपके फादर, उनके फादर अगर वो हैं या आपके गुरुजन, उनके थ्रू आप कब ब्लेस्ड होते हैं, उस योग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ. और काफ़ी गर्मी है, देखो पसीना निकल रहा है. चलो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है. अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, 11th हाउस में है, अपने एग्जल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, और इसके साथ साथ 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, फ्रेंडली साइन में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, या 9th हाउस के लॉर्ड्स के साथ अगर एक्सचेंज करके बैठा है, तब आप एक हाईली ऑस्पिशियस पर्सन हैं और यहाँ पर आपको अपने पितरों का, अपने गुरुओं का, इन सब का आपको आशीर्वाद मिलता है. और इनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते कि आशीर्वाद मिल रहा है उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा आशीर्वाद से, क्या हो जाएगा कि जब हमारे पितर हमारे फेवर में आएंगे, क्या हो जाएगा कि जब हमारे बड़े लोग हमारे फेवर में आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. आजकल की मॉडर्न दुनिया में लोग इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते कि ऐसी भी कोई सत्ता है, ऐसी भी कोई चीज़ है जो हमारे पीछे काम करती है, हमारे लिए काम करती है. लेकिन 12th हाउस और 9th हाउस, 9th हाउस यानी भाग्य और 12th हाउस यानी आपका प्लेजर, ये दोनों जो हाउस हैं इनका संबंध आपके पितरों से जुड़ता है और आपके गुरुजनों से जुड़ता है, जो आपके बड़े लोग हैं उनसे इसका संबंध जुड़ता है. अगर 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड अगर अच्छी पोजिशन में हैं तो लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी, भाग्य का साथ, लग्जरी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करते हैं. लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेब्यूटेशन में है, वक्री हो चुका है, अस्त हो गया है, राहु शनि केतु के साथ है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है या 9th हाउस में या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, तब आपके पितरों का, आपके बड़े लोगों का आपको श्राप मिलता है और उसके चक्कर में जो आपकी तरक्की है वो रुकती है. हमारे दिमाग के जो विचार होते हैं, जो भी विचार आते हैं हमारे दिमाग में, और वो विचार हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि जैसा भी आपके माइंड में विचार आ रहा है उसी विचार के कारण आप कर्म कर रहे हो. अगर विचार गलत आएंगे तो आप गलत कर्म करोगे, अगर विचार सही आएंगे तो आप सही कर्म करोगे. अगर आपके पितरों को आपको सपोर्ट करना है तो वो आपके माइंड के अंदर अच्छा विचार डालेंगे और उससे आपको तरक्की मिलेगी क्योंकि आप वैसा काम करेंगे. और अगर उनको आपको बर्बाद करना है, अगर उनकी बद्दुआ अगर आपको मिलती है या उनका श्राप अगर आपको मिलता है तो जो विचार हैं वो आपका नुकसान भी करेंगे. तो इसलिए 12th हाउस और 9th हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और 12th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, एग्जल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, बेनिफिक हाउस में है, तो आपको पितरों का और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और आप एक बहुत भाग्यशाली पर्सन बनते हैं और जीवन में आप बहुत तरक्की भी करते हैं.
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आप हाईली ब्लेस्ड पर्सन कैसे बन सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ऐसा योग है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।